राहु जो होते हैं वो जब अगर खराब रहे तो बड़ा परेशान परेशान कर देते हैं इंसान को। कैसे परेशान करते, कैसे पता चले राहु खराब है, मजबूत कैसे करें? देखिए, राहु का लक्षण जो है सामान्य रूप से एकदम स्पष्ट दिख जाता है, क्योंकि राहु का सीधा हमारे जो है ब्रेन पे असर होता है, ब्रेन को ये ब्लॉक कर देता है, अटपटा थॉट देगा, ओवर एम्बिशन, एक साथ दो सीढ़ी पे चढ़ना, ठीक है, कपड़ा समझ लीजिए कि शर्ट का बटन खोले बिना निकाल देना, रात में देर तक जो है जगना, सुबह देर तक सोना, समय पे नहाना, नहाएगा नहीं व्यक्ति, बाल नहीं कटवाएगा, नाखून नहीं कटवाएगा, ये सब राहु के बिगड़ने का जो है लक्षण होता है। और राहु जितना बिगड़ेंगे उतना ज़्यादा व्यक्ति के अंदर देखिएगा विटामिन बी ट्वेल्व गड़बड़ हो जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व गड़बड़ होगा जिसके कारण से नसों में प्रॉब्लम, और जितना भी रसमय बीमारी होता है जिसका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं आता, ऑटोइम्यून जिस होता है, जैसे इन्फेक्शन हुआ, एलर्जी हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, ये सब जितने विशिष्ट रोग देते हैं, पेट का बीमारी बेवजह का, कुछ नहीं जांच में निकल रहा है और पेट का बीमारी है, तब ये मान लीजिए कि राहु का सीधा सीधा प्रकोप है। और इसके उपचार के लिए हम जो है भैरव जी का पूजा कर सकते हैं या दुर्गा कवच का पाठ करें तो और अच्छा है, और साथ में बुधवार शनिवार बराबर मीठा रोटी कुत्ता को खिलाना चालू कर दें, उससे बेवजह का चिंता भी कम होगा और धीरे धीरे स्वास्थ्य वगैरह दिनचर्या भी जो है सुरक्षित रहेगा। और एक उपचार की राहु व्यक्ति के स्वभाव को बिगाड़ देता है, अनुशासनहीन कर देता है, तो उसमें अनुशासन, अपने आप को अनुशासन में ला देना भी जो है एक उपचार होता है। तो खाने का टाइम, नहाने का टाइम, सोने का टाइम, सारे दिनचर्या को अगर फिक्स कर दिया जाए तब भी राहु जो है नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा।